सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ? ये दिन को कैफे में और शाम को होटल में काम करता है। ये सच है। बाबा ने कमालुद्दीन से मुतालिक परेशानी दूर कर दी हमारी। उन्होंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारी जौजा बनेगी आप। हमें आपके जवाब की कोई जल्दी नहीं है। आसन से शादी की दरख्वास्त की है हमने। वो बहुत अच्छी है। आपको महल ले जाने के लिए आए हैं। सुल्तान ने आपको खुसूसी दावत पर बुलाया है। तेल के जखायर के मकामात का कोई नक्शा है आपके पास? बिल्कुल, वो नक्शा बहुत जल्द हमारे पास पहुंचा दिया जाएगा। फिक्र मत करो तुम, ये नक्शे तक नहीं पहुंच सकते। ट्रेन से छलांग लगाते हुए मैंने इन्हें देख लिया था। गोली चलाओ। आपके बाबा ने तेल का इदारा कायम करने के लिए इश्तेहार दिया है। अगर ये फरीजा आप अपने जिम्मे ले लें और इसे अंजाम तक पहुंचाएं, तो आपका काम आसान हो जाएगा। रेलवे मंसूबे का असल मकसद तेल की तरसीलात ही था। ले जाने का जरिया ही ना हो तो तेल निकालने का फायदा क्या? मैं नहीं, तुम हो। वालिदा, बाबा। बाबा से मिलकर आ रहा हूं, उनकी हालत बहुत खराब है वालिदा। उन्हें कुछ नहीं हो सकता, भरोसा रखिए आप। वो ऐसे सख्त हालात के आदी हैं। उनकी ऐसी हालत पहले नहीं हुई कभी भी। मरने वाले हैं वो, वक्त नहीं है उनके पास। किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। जो वक्त उन पर आया है उसके मुस्तहिक हैं। ये सच है, ऐसा ही है वालिदा। बाबा का भी यही कहना है, बेहद शर्मिंदा है वो। उन्हें सिर्फ मेरी फिक्र है। क्यों, आपके साथ क्या मसला हो गया? उन्हें आपकी फिक्र क्यों हो रही है? उन्हें डर है कि मेरे हालात भी उनके जैसे ना हो जाएं। अल्लाह ना करे बेटा, अल्लाह ना करे। मुझे बताइए, क्या भाई ने कहा है कुछ आपसे? नहीं नहीं, बात यह है वालिदा, मेरे मुस्तकबिल के लिए एक बार बाबा से मुलाकात कर लें आप। उनसे बात करके तो देखें, जब ये दिखेंगी आप कि किस हाल में रह रहे हैं वो, तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। बहुत बेबस है, मुझे डर है कि वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। एक बार उनसे मिलने वाले था, मेरे लिए मेहरबानी करें। आइए पाशा। सुल्तान मौसम,
جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ ہمارے ادارے کو چلانے کے لیے کوئی موضوع پر تلاش کریں کچھ سیاستدان ایسے ہیں جو پہلے یہ کام کر چکے ہیں سلیمان پاشا سلطان عبدالعزیز کے دور سے ایک نامور پاشا ہیں ہرگز نہیں ان پر غداری کا شبہ تھا مگر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے رہا ہو گئے حلیم سعید پاشا انہیں امریکہ کے ایک ادارے کا کچھ تجربہ بھی ہے لیکن مال و زر کے رسیاں ہیں وہ انہیں خریدنا بہت آسان ہے سلیم پاشا پر ہمیں اعتماد ہے یہ بات آپ جانتے ہیں اسی لیے آپ نے ان کا نام آخر میں رکھا ہے پاشا تاکہ ہم ان دوسروں پر سلیم پاشا کو ہی ترجیح دیں ان کا تعلق سنار خاندان سے ہے معدنیات کی معلومات بھی بہت ہیں انہیں اور ان کا ماضی بھی بے داغ ہے سلیم پاشا کو محل میں آنے کی دعوت دیجئے اور ان کے بارے میں مزید تحقیقات کروائیں جو آپ کا حکم سلطان معظم तो तुम अब तक यही हो तुम्हें किसी ने चुराया नहीं मैं कसम खाती हूं मैंने चोरी नहीं की मेरे यकीन कीजिए मलिका मैंने ऐसा कुछ नहीं किया इस कमरे में आपके अलावा और कोई नहीं आ सकता एतराफ कर लें कि चोरी आपने की कीजिए मलिका मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मेरा यकीन बस कीजिए मैं कसम खाती मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मलिका अम्मी जान मैंने कुछ नहीं किया मेरी मां गिड़गिड़ाती रही कि वो बेकसूर है मगर तुमने एक ना सुनी सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी मां मर गई सिर्फ तुम्हारी वजह से आप यहां क्या कर रही हैं सुल्ताना सादिया सुल्तान के साथ खेल खेल रहे थे छुपने वाला सोचा कि यहां आ गई होंगी लेकिन वो यहां भी नहीं है भूखे हो ना अच्छी बात है भूख की वजह से और खतरनाक होगे आ जाएं
सुल्तान मौजम हिरम ने यह खत भेजा है, पढ़िए इसे। मैं हिरम, गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ एक इंसान, मां बाप के बगैर पला बढ़ा, मैं कैसे कातिल बना ये सब कुछ आप जानते हैं। एक, दो, तीन, फिर एक वक्त आया मैंने गिनना छोड़ दिया कि कितने लोगों का खून बहाया है मैंने, फिर आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। सुल्तान मौसम, मेरी रूह और मेरा दिल दोनों आपके हो गए हैं। आपने मुझे उसका नाम बताया जिसने मुझसे मेरी इंसानियत छीन ली, मैं उसी की तलाश में हूं। वो निशान ज़दा मकाम पर किसी से खुफिया मुलाकात करना चाहता है, मैं उसका राज तो नहीं जानता मगर वो आपको खत्म करना चाहता है। आपका खादिम हिरम, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह आदिल है, गुनाहों को बख्शने वाला है। मुराद को जिम्मेदारी सौंपें। जवाब का हुक्म मेरे सुल्तान। यहां उस्मानी रियासत का दिल धड़कता है, जल्द ही वो दिल धड़कना बंद कर देगा। आपने अपना मंसूबा नहीं बताया अब तक। सब्र करो, कल की मुलाकात के बाद सब जान जाओगे। कल हम सब पाया तख्त में मिलकर उस्मानी रियासत के खात्मे के फरमान पर दस्तखत करेंगे। वो मकाम मुलाकात के लिए महफूज है ना? बेफिक्र हो जाए। अच्छा है, हमारे दोस्त हर्जल और करासू को मुलाकात की दावत पहुंच चुकी होगी अब तक। और जाहरुफ, वो शिरकत नहीं करेगा क्या मुलाकात में? नहीं, हमें ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो हमारे नजरिए के मुताबिक लड़ने के लिए तैयार हो। मार्को, ऐसे लोग जिनके दिल अब्दुल हमीद के खिलाफ नफरत और अदावत से भरे हुए हों, जो उस्मानी रियासत के बर्बादी के फरमान पर कलम से नहीं बल्कि जिगर के खून से दस्तखत कर सके। उस्मान, पता चला है कि वो तमाम जासूस पाया तख्त में इस मुलाकात के लिए जमा हुए हैं। ये सुल्तान ने दिया है मुझे। जानते हो ये जगह कौन सी है? तलाश कर लेंगे हम। ये सुर्ख लकीरें हदबंदी की अलामत लगती हैं। अगर रास्ते में मशकूक लोग नजर आए तो समझना हम सही राह पर हैं। अब हमें चलना चाहिए उस्मान। उसके बाद सनिया सुल्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। महमूद पाशा से मिलने जाएंगे या नहीं कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, आप उन पर मुसलसल नजर रखिए। अगर वो महल से निकलने की कोशिश करें तो फौरन मुझे खबर दीजिए। जैसा आप कहें मेरी सुल्ताना। देखते हैं सुनेहा सुल्तान, आप सुल्तान मौजम से वफादार हैं या नहीं। शहजादी सादिया, अंदर आने से पहले आपको दस्तक देनी चाहिए थी। आइए शहजादी। आप क्या कर रहे हैं? तस्वीर के लिए चौकटा बना रहे हैं हम। क्या सुल्तानी मौसम ये काम भी करते? हर सुल्तान के मिजाज में कोई ना कोई हुनर शामिल होता है शहजादी। फुर्सत में मशगले के तौर पर कुछ ना कुछ करना चाहिए और हम चाहते हैं कि आप भी कुछ सीखें ताकि आपका वक्त जाया ना हो। ठीक है शहजादी। क्या हम फूफू जान के साथ महल से बाहर जाएं? कई बार कह चुकी है सुल्तानी मौसम, यकसानियत से उकता गई हैं। हमने कहा अगर हमारे सुल्तान इजाजत देंगे तो बाहर सैर के लिए चलेंगे। इजाजत दे देना बाबा, फूफू हमारे लिए लिबास खरीदेंगी। बाबा क्या चाहे हम? ठीक है, लेकिन फूफू से दूर मत जाइएगा आप। वहाँ से आपके लिए एक तोहफा भी लाएंगे हम। ठीक है शहजादी।
आइए शहजादी सादिया, बाहर जाने की तैयारी करते हैं। बहुत शुक्रिया। आइए फरजंद। सुल्तान मौसम, कार्ल बेंज, इन्होंने पहला इंजन 1878 में इजाद किया और इस इजाद पर अपने नाम की मोहर लगाई। वो इंजन तेल की मदद से चलाया था उन्होंने, और इससे एक साल पहले गाड़ी इजाद की थी उन्होंने। उस गाड़ी को घोड़े नहीं खींचते थे, बल्कि तेल से चलती थी वो, इसीलिए तेज रफ्तार थी। बेंस ने जब अपनी उस इजाद का लोगों के सामने मुजाहिरा किया तो लोग आवाज और धुएं से डर गए, इसीलिए बेंस इस रद्दी अमल से डर गए और अपनी इजाद को सड़क पर लाने से हिचकिचाने लगे। वो एक रात जब वो सो रहे थे तो उनकी जौजा वो गाड़ी लेकर बाहर निकल गई। लोगों ने जब एक औरत को वो गाड़ी चलाते हुए देखा तो इस जाने पूरी तरह मुतवज्जो हो गए। उसके बाद गाड़ी का तेल खत्म होने वाला था। उस वक्त ये तेल दवाई के तौर पर मिला करता था। बेंस की जौजा ने एक दवा खाना देखा, वहां से तेल लिया और यूरोप की सड़कों पर फिरती रही। मेरे सुल्तान, मुस्तकबिल इस गाड़ी और इसे चलाने वाले तेल का है। क्या आपको इस बात का इल्म है कि जिस वक्त बेंस की बीवी सड़क पर तेल से चलने वाली इस गाड़ी को दौड़ा रही थी, तो उसी वक्त गॉटलिब डेमलर नामी एक साइंसदान ने भी ऐसे ही तेल से चलने वाली एक गाड़ी इजाद की थी? इत्तेफाक है। वैसे आप ये सब कुछ हमें क्यों बता रहे हैं शहजादे? क्या आप तेल का वो इदारा खुद चलाना चाहते हैं फरजंद? अगर आपकी इजाजत हो सुल्तान मौसम, हम यही चाहते हैं। हमने इस बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की है, ये भी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी इदारों के तावुन से इसे कैसे निकाला जा सकता है। मेरे सुल्तान, आपकी ये कोशिश काबिले तारीफ है शहजादे। आओ बेटी। बाबा, ये आपके लिए महल से आया है। यिल्दिज़ महल बुलाया गया है, फौरन पहुंचने के लिए कहा है। इंशाल्लाह ये बुलावा जंग के लिए नहीं होगा। जानते हैं ना, पहले ही आपकी गैर हाजिरी की वजह से कितनी परेशान रही हूं मैं। आपको खोना नहीं चाहती बाबा। बेटी, मैं पहले भी तो जंग से वापस आया हूं ना, और वैसे भी फिलहाल जंग का कोई इम्कान नहीं। परेशान मत हो। क्या रात का खाना खाकर आएंगी बाबा? नहीं मालूम बेटी, लेकिन अब मैं अकेले खाना खाकर तंग आ चुकी हूँ। और वैसे भी मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है बाबा। क्या बनाया है ये तो आप खुद ही सोचे। शाही खीर। बिल्कुल सही पाशा, अगर आपने आने में देर की ना तो मैं सारी खीर खा जाऊंगी। ये बात है। बिल्कुल, कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। खिलौने लेंगे ना? जरूर लेंगे शहजादी। ओ वहाँ इतने जूमी है। सादिया, सादिया रुक जाए। शहजादी। खुशामदीद, आपने शर्फ बख्शा। मेरे बाल चमकदार हैं, आंखें झील जैसी हैं। मैं रुक नहीं सकती, हवा की तरह आजाद हूँ। ये बस एक पहेली है शहजादी। चलिए शहजादी, अब हमें चलना चाहिए। रुकिए पप्पू जान, अब आपकी बारी है फिरोजबाजी, आइए।
अच्छा ठीक है, जल्दी कीजिए। पढ़िए ना क्या लिखा है। तुम्हारे पास है एक डब्बा जिसमें है एक काला सांप। मुझसे मेरी नीयत ना पूछो, जो मैं हूँ वो दिखती नहीं। कुछ समझ नहीं आया हमें। मतलब ये कि जो जाहिर है वो सच नहीं है शहजादी। आंखें अक्सर इंसानों का असल चेहरा नहीं देख पाती। चलिए बहुत हो गया, आप चलते हैं, हमें आपके लिए लिबास भी पसंद करने। चलिए शहजादे। खुशामदीद सुल्ताना। बहुत शुक्रिया, खुशी हुई आपसे मिलके। यहाँ तो कितने खूबसूरत रंग हैं। आपको क्या पसंद है, कौन सा दिखाऊं शहजादी? ये सारे ही बहुत खूबसूरत हैं। जल्दी नहीं है हमें, आप इन्हें पसंद करवाइए, हम आते हैं थोड़ी देर में। ये वाकई खूबसूरत है, आप कुछ पसंद करेंगी? मुझे वो नीला लिबास दिखाइए। हाँ ये लीजिए। ये रंग आप पर बहुत जचता है, हमें पसंद है ये रंग। बाबा ने हमारी बातों को तवज्जो से सुना, आपको भी होना चाहिए था। मतलब आपकी काविश को सराहा उन्होंने। उम्मीद है सितारे का मुंतजिम आला हमें ही मुंतखब किया जाएगा। आ जाइए। सनिया सुल्तान पर नजर रखने का कहा था आपने, कोई खास खबर है क्या? जी मेरी सुल्ताना, वो सादिया सुल्तान को बाहर सैर के लिए लेकर गई हैं। ठीक है, आप जा सकती हैं। सनिया सुल्तान की निगरानी का कहा था, ये क्यों किया आपने? सुल्तान मौजम के साथ गद्दारी करने वालों से वो अभी भी रابطे में है, ये शक था हमें, और आज की ये खबर इस बात का सबूत है। ये भी तो मुमकिन है कि वो वाकई शहजादी सादिया को सैर के लिए बाहर ले गई हो। काश कैसा होता फरजंद, लेकिन उन्होंने जब भी किसी और के लिए कुछ किया उसके पीछे हमेशा उनका अपना ही मफाद सामने आया। हमें पूरा यकीन है इस बार भी वही होगा। स्नेहा सुल्तान महमूद पाशा से ही मिलने गई हैं। पीछे हटिए। स्नेहा, स्नेहा, आप मेरे गरीब खाने में सूरज बनकर तुलू हुई हैं। आखिर मेरी फानी आंखों से आज मैंने आपको देख ही लिया। अब सुकून के साथ अपनी जान दे सकता हूँ स्नेहा में। खुशामदीद। तो ये वो जगह जहाँ आप रहते हैं? यहाँ जिंदा रहना कितना मुश्किल है स्नेहा, सच कहता हूँ। आपके बगैर यहाँ एक सांस लेना भी अजाब की तरह है। कोई चीज भी। बस कीजिए, बहुत हो गया। आप अब तक खड़ी क्यों हैं? यहाँ बैठिए, आइए। एक बिल्ली थी, मैं आपके लिए कहवा बनाता हूँ। रहने दीजिए, हमें कुछ नहीं पीना। जहमत मत कीजिए, कहवा नहीं चाहिए। क्या वाकई? आपको जो कुछ कहना है जल्दी से कह दीजिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। महमूद, आखिर क्यों बुलाया था हमें यहाँ? मुझे कुछ चाहिए मगर अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए चाहिए स्नेहा। मैं तो बेहाल हो गया हूँ मगर मेरी औलाद के लिए स्नेहा उम्मीद की आखिरी किरण है आप। महमूद,
आपने जो कुछ कहा हमें एक बात समझ नहीं आई। हम क्या कर सकते हैं, किसी का मुस्तकबिल कैसे बदलेंगे? यही तो आपको बताना है कि आपको करना क्या है। सेनिहा, आपको मालूम है कि सुल्तान ने तेल की तरसील का इदारा कायम किया है। अगर उस इदारे में किसी तरह अपनी औलाद सबाहद्दीन को मुंतजिम का ओहदा दिलवा दिया तो न सिर्फ सबाहद्दीन की किस्मत बल्कि उसके भाई और बहन की जिंदगी भी तब्दील हो जाएगी। हाँ, कैसे? गौर से सुनिए सेनेहा, मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। हम सलीम सलीम सलीम, अभी दरवाजा खुलेगा, या माजी की जिल्लत मिलेगी या फिर बावकार मुस्तकबिल की बशारत। तहसीन पाशा, क्या मैं जान सकता हूं मुझे यहां क्यों तलब किया गया है? हमारे सुल्तान का हुक्म है। वो चाहते हैं कि आप इस नक्शे को अपनी महारत से इस पर तराशें। ये तो तेल के जखायर का नक्शा है। ये उसका सिर्फ एक हिस्सा है सलीम पाशा, सिर्फ एक हिस्सा। अगर इजाजत हो तो ये काम अपने घर पर जाकर करना चाहूंगा। मैं सुल्तान को आपकी दरख्वास्त से आगाह कर देता हूं। हम दोनों ही अपनी औलाद का भला ही चाहते हैं। कौन है? सब्र, अंदर आओ, जल्दी आओ। ओहो, तो आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो ही गई। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी वालिदा यहाँ आई हैं तो सिर्फ तुम्हारी खातिर आई हैं, मेरे लिए नहीं आई। अब आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करें। क्यों, क्या हुआ? सुल्तान ने इदारे का मुंतजिम सलीम पाशा को मुंतखब किया है। सलीम पाशा? कौन सलीम पाशा? वही जो मशहूर जौहरी है। ये सलीम पाशा आप पाया तख्त में क्या कर रहा है? हाँ, कसम खाकर कहता हूँ, अब्दुल हमीद ने जानबूझकर मुझे अजियत देने के लिए उसे तलब किया है। सेनेहा, अगर अब्दुल हमीद ने उस सलीम पाशा को महल में तलब कर लिया है तो उस तेल के इदारे का मुंतजिम आला वो सलीम पाशा को ही मुंतखब करेगा। अब हमें करना यह है कि हमें तेल के जखायर के इलाकों की तफसीलात मालूम करनी होंगी। अगर हम ऐसा न कर सके तो उस औहदे के लिए हमारी कोशिश का कोई फायदा नहीं होगा। महमूद, हाँ? आप खुद भी ये बात जानते हैं कि ये काम नहीं कर पाएंगे हम। आप अब्दुल हमीद की इकलौती बहन हैं, आपकी बात मान लेगा वो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस अपने बेटे की खातिर चाहता हूँ। ये मुझे अपनी औलाद की खुशी बहुत अजीज है। देर हो गई है, वापस जाना होगा हमें अब। वाकई आपको समझना बहुत मुश्किल है बाबा। अजीम ख्यालात को समझने के लिए सबाहद्दीन, इंसान को अजीम ख्यालात का मालिक बनना पड़ता है। समझने की कोशिश करो, हमें सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले हमें जखायर के मकामात की मालूमात लेनी है और उसके बाद हमें करना ये है कि वो सारी अराजी हमें अपने नाम पर खरीदनी है। आपकी सोच हमेशा शानदार होती है। बिल्कुल। लेकिन इतनी रकम कहां से लाएंगे? उस अराजी को खरीदने के लिए रकम का इंतजाम हम कर लेंगे सबाहद्दीन।
ये बात तो तुम जानते ही हो, तुम्हारे बाबा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अक्ल का मंबा है महमूद पाशा। बाबा आप भी ना। खुश रहो बेटा। वो इस जंगल में आखिर क्या बातें करने जमा हुए होंगे? क्या ये तिला दुरुस्त लगती है? सुल्तान ने अगर कहा है तो ये तिला दुरुस्त होगी। क्या तुम हिरम नामी शख्स को जानते हो? हाँ जानता हूँ मैं उसे। वो हमारे सुल्तान को कत्ल करने आया था, मगर सुल्ताने मौज़म ने अल्लाह के फजल से उसका जहन बदल दिया। उस्मान कहीं देर ना हो जाए, जल्दी चलो। क्या सनेहा सुल्तान अभी तक आई नहीं? हम यहाँ हैं। हाँ शहजादी सादिया, अपने लिए खूबसूरत लिबास पसंद कर लिए ना आपने? फिक्र मत करे सुल्ताना, इन्होंने बहुत अच्छी रहनुमाई की है। जबरदस्त, उम्मीद है शहजादी पर सब रंग जचेंगे। रुक जाओ, बस बस रुक जाओ यहीं, शाबाश। लगता है वही है। गए मुराद अफंदी, तुम कहां रह गए? पिस्तौल फेंक दो अपनी। कौन हो तुम? रुक जा, सब बताता हूं। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं मैं। तुम्हारा जिस्म छलनी होने ही वाला था। क्या ये शिकारी थे? इस हथियार से उस्मानी रियासत में आखिर कौन शिकार करता है? उस्मान ये शिकारियों के भेस में छुपे हुए मुहाफिज हैं। नक्शे के मुताबिक मुलाकात यहीं होनी है, यहां से शिकारगाह शुरू होती है। इनका क्या करें, वो होशियार हो जाएंगे। इन्हें छुपाना होगा, लेकिन पहले इन जैसा रूप धारेंगे हम। किस लिए? इनके लिबास में हमारा काम आसान हो जाएगा। समझ गया। सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं, आप हमेशा फतेह याब रहें। बहादुर बाप और उसकी काबिल औलाद कमालुद्दीन फरजंद, आपने अपना फरीजा
نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ میرے سلطان، اگر آپ رہنمائی نہ فرماتے تو ہم کبھی کامیاب نہ ہو پاتے۔ یہ ہمارے سلطان عبد الحمید خان کی عظیم فراست تھی جس نے دشمنوں کی آخری امید بھی ختم کر دی۔ اتنے حیران کیوں ہے پاشا؟ بیٹے کی باتوں پر حیران ہوں، ایک ہی چال سے پانسا پلٹ دیا آپ نے۔ آپ لوگ میدان جنگ میں گولیوں اور بارود سے لڑتے ہیں اور ہم دشمنوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں۔ کمال الدین پاشا کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیں۔ تحسین پاشا، باپ اپنے بیٹے کو اعزاز سے نوازے گا، آئیے پہنائیے۔ یہ تمغہ ریاست کے، ملت کے، ہمارے سلطان کے وفادار رہنے پر دیا جاتا ہے۔ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، اللہ کا شکر ہے۔ موقع مناسب ہے عثمان پاشا، جنگ ختم ہو چکی ہے۔ کمال الدین پاشا اور نائمے کی شادی میں اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے ہمیں۔ شرف ہے ہمارے لیے۔ مبارک ہو بیٹی۔ والدہ، خوشخبری ہے، بابا نے آپ کی اور کمال الدین کی شادی کی تیاری کا کہا ہے۔ کیا واقعی؟ بالکل، آخر خوشی کے دن آ ہی گئے۔ اللہ آپ کی خوشیاں قائم رکھے شہزادی۔ آمین۔ پاشا، آپ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بہت بیتاب تھے ہم۔ معلوم ہوا کہ آپ لوٹ آئے ہیں پاشا، ہم بہت پریشان تھے آپ کے لیے۔ آپ کوئی بات نہیں کریں گے ہم سے؟ شہزادی، میں کہیے۔ میں شہزادی خدیجہ، یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ پاشا کا احوال جاننے کے لیے آئے تھے ہم۔ پھر تو پاشا نے آپ کو بتا دیا ہوگا، کیا خوشخبری نہیں سنی آپ نے؟ نہیں تو، کچھ بھی نہیں بتایا انہوں نے۔ بابا نے ہماری شادی کی تیاریاں شروع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اللہ خوشیوں سے نوازے۔ آج ہم بہت تھک گئے ہیں۔ آپ کمرے میں آرام کیجیے شہزادی۔ سنیہا سلطان، شہزادی اپنا لباس تو میں بگی میں ہی بھول آئی، لے کر آتی ہوں۔ جا سکتی ہیں آپ۔ کہیے، دن کیسا رہا سنیہا سلطان؟ کن سوچوں میں گم ہو گئی آپ؟ کیا محمود پاشا سے آپ کی آج کی ملاقات اچھی نہیں رہی؟ کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی یقیناً۔
शहजादी सादिया हमारे साथ थी मुस्तकिल। शहजादी को सिर्फ एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया है आपने। आपका असल मकसद था अपने गद्दार शौहर महमूद पाशा से मुलाकात करना। आपने अपने मजमूम मकसद के लिए सुल्तान की साहबजादी को इस्तेमाल करने का जुर्म किया है। सुल्तान को जब पता चलेगा तो क्या रद्द अमल होगा? आप फरेब का शिकार हैं बिदार खातून। हम तमाम वक्त शहजादी सादिया के साथ ही रहे हैं। सिनेहा सुल्तान, आपकी वजह से आज शहजादी सादिया बहुत खुश है कि आपने उनके साथ इतना वक्त गुजारा और लिबास के चुनाव में मदद की। सुना आपने, शहजादी सादिया की खुशी हमारे लिए सबसे बढ़कर है। अच्छा किया आपने, बहुत ही कम वक्त में एक दूसरे के दिलों में झांक लिया। किसी को क्या मालूम कि आप दोनों की मुलाकात फिर कब हो। बताइए ऐसा क्यों किया आपने? माफी चाहती हूं सुल्ताना, मैं ये नहीं चाहती कि किसी एक के किए की सजा उसके पूरे खानदान को भुगतनी पड़े, बस इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। एक बात और थी, आपने देखा होगा बेदार खातून मुझे पसंद नहीं करती। सादिया सुल्तान की पैदाइश से लेकर अब तक मैं उनके साथ हूँ और अब उनसे दूर हुई तो ये मेरे लिए अजियतनाक होगा, लेकिन अगर आप सुल्तान से मेरे लिए बात कर लें तो शायद यहाँ रहने की इजाज़त मिल जाए। देखिए बेटी, बहुत शुक्रिया आपका। आज हकीकतन आपने हमारी बहुत मदद की है और वैसे भी हम शहजादी सादिया की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हरम का सारा निज़ाम बेदार खातून के हाथ में है। हम सुल्तान से बात करेंगे लेकिन उम्मीद नहीं है कि उसका कोई फायदा हो। जल्द अज जल्द अपना फर्ज अदा करके महल से रुखसत हो जाएं। बाबा को सलीम पाशा से क्या मसला है? कुछ माजी की तलखियां हैं सबाहती। अब्दुल हमीद के लिए कीमती अराजी जिस शख्स की मिल्कियत है उस शख्स का नाम इस पे लिखा है। सुल्तान यकीनन पहले ही किसी के नाम का इंतखाब कर चुके होंगे, है ना? कौन है? तेल कंपनी का मुंतजिम आला बनाया जा रहा है शहजादा सबाहद्दीन को। ये सबाहद्दीन कौन है? महमूद पाशा का बेटा है वो।